हे बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका पोकेमोन ग्लेज्ड के एक और एपिसोड में। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। तो लास्ट एपिसोड हमने देखा, लास्ट एपिसोड में मैंने आपको ऐसी जगह बताई थी जहाँ पे आप मतलब सारे सूडो लेजेंडरी पोकेमोन्स के फर्स्ट बेस फॉर्म को कैच कर सकते हो। तो होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। नहीं आई मतलब नहीं देखी है तो आपने जाके देख लीजिए, बस और कुछ नहीं। तो इस एपिसोड में मुझे HM कर्ड मिल चुका है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बता दिया था आपको कहाँ मिलेगा। आपको प्रोफेसर ही देगा HM, और मैंने दो सूडो लेजेंडरी पकड़ भी लिए हैं, मैटेंग और गेबाइल। तो मैं मैटेंग को कट सिखा रहा हूँ और इनको ही मैं अभी आगे तक ट्रेन करूँगा, जैसे होगा देखा जाएगा। बाकी अभी हमें जाना है जिम क्लियर करने, जो कि हमारी सेकंड जिम है यहाँ की, और वो मुझे क्लियर करनी है कैसे भी करके, क्योंकि बहुत टफ है। वो भी ग्राउंड टाइप जिम है। और यहाँ पे मेरे पास पोकी बॉल्स नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ ये हो गई है कि मेरे पास अभी पोकी बॉल्स नहीं है। तो अभी चलते हैं, आगे निकलते हैं सीधा। ब्रिज वगैरह क्लियर थी जो कि हमने लास्ट से लास्ट एपिसोड में की थी। तो अभी चलते हैं सीधा, और पहले क्लियर करेंगे सीधा सेकंड जिम। तो मैं सीधा आपको सेकंड जिम में मिलता हूँ। तो चलिए, जिम तो हम लगभग लगभग पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे हेलो कैनी, टैरी इज़ बैक एज यू कैन सी। टैरी यूज़ ग्राउंड टाइप, ओके ये मेरे को पता है। सो यूज़ वाटर टाइप पोकेमॉन टू गेन एज। तो यहाँ पे पहले तो हम पोकेमॉन को चेंज कर लेते हैं, स्विच कर लेते हैं। मार्श टॉम को मैं कर देता हूँ आगे, और यहाँ पे बैटल्स करके फिर आपको मिलता हूँ। तो चलिए, इसको तो हमने बहुत आसानी से हरा दिया है, बट आगे टफ बैटल्स होंगे। ओके, वी गॉट 176 पोकी डॉलर्स, जो कि बहुत कम है मेरे हिसाब से, तो बहुत कम है यार। और ये हम कहाँ पहुँच गए? ओके, यहाँ एक और बैटल होगा। चलिए इस अंकल से ही बैटल करते हैं। हैंग ऑन, आई जस्ट फाउंड अ ग्रेट स्पेसिमन। ओ ऑल राइट, चलिए अंकल को भी हरा दिया हमने। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ एक सुपर पोशन नहीं छोड़ता है अभी। चलिए पहले मैं हील करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलिए हील वगैरह सब हो चुका है, एंड अब मेरे को नीचे जाना है। और ये रही ऊपर जाने की सीढ़ी। नो फन ड्रॉपिंग डाउन दोज होल्स राइट, और दैट्स गुड।
चलिए ये भी गया और हम यहाँ कहीं आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है ओके, तो यहाँ कौन सा रास्ता रहेगा? ओके ये ऊपर से जाना है। ठीक है ओके, चलिए इनसे बैटल करते हैं। डोंट यू थिंक फॉसिल्स आर एक्साइटिंग? आई डोंट नो। सो फाइनली हमने इसको भी हरा दिया है एंड आई शो मिश एवॉल्विंग। दैट्स ऑसम, दैट्स लिटरली ऑसम। बलूम भी एक बहुत बढ़िया पोकेमॉन है, बट मैं कुछ और भी सोच रहा हूँ कि कुछ और मेरे को मिले तो वो भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बट लेट्स सी कि आगे मुझे कोई अच्छा ग्रास टाइप पोकेमॉन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मैं भी श्योर नहीं हूँ। बट ठीक है, अभी बलूम काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है। बलूम एक ग्रास एंड फाइटिंग टाइप पोकेमोन है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा एडवांटेज देगा और आगे ही जस्ट जिम है। तो चलिए मैं हील करने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं हील वगैरह सब करके आया हूँ। हेलो एंड वेलकम टू द सेरेनिटी आइल्स जिम। माई नेम इज़ टेरी, द यूज़र ऑफ द वंडरफुल ग्राउंड टाइल। लेट्स सी इफ़ यू कैन स्टैंड द प्रेशर वाइल द वेरी ग्राउंड बेनेथ यू क्वेवर्स। ओके
सो फाइनली हमने टेरी को डिफीट कर दिया है और हम जीत चुके हैं अपना सेकंड जिम बैज, थर्ड बैज विद द ओके हम लेवल 30 और हमें सेकंड जिम में ही TM26 यानी अर्थक्वेक मिल चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अर्थक्वेक एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव है। तो चलिए, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा गाइज। तो वीडियो को यहीं पर मैं एंड करता हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून गाइस।